प्रियंका गांधी काशी यात्रा पर आई और काशी यात्रा के दौरान उन्होंने किसान न्याय रैली को संबोधित किया, लेकिन इसके साथ ही मंदिर मंदिर दर्शन भी किया। क्या प्रियंका गांधी हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहती हैं या फिर इनका ये सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश आने वाले चुनाव में कोई असर दिखाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाने का प्रयास है, क्या ये असर करेगा? एकदम असर नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा ने जो अपनी छाप छोड़ी हुई है ना, वो कांग्रेस प्रियंका गांधी जी कितना भी यहाँ आके रैली कर लें, एक दिन आके दर्शन कर लेने से कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। क्यों एक दिन दर्शन उन्होंने दर्शन किया क्या? कब से हम जो चीज अभी तक हमने देखी 2014 के पहले की बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, तो इसके पहले ये दर्शन वाली तस्वीर थोड़ी बदली है या फिर जो रैली की भीड़ थी वो बदली है या फिर आने वाले दिनों में कोई बदला हुआ संदेश दिखेगा, क्या लग क्या रहा है आपको? सिर्फ उन्होंने दर्शन की एक जो संदेश है वो बदली है, वो हिंदुत्व दिखाना चाह रही हैं, लेकिन वो हिंदुत्व जो हमारे योगी जी पहले से दिखा चुके हैं, लोगों के अंदर आ चुकी है, वो नहीं बदलेगी। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो हिंदुत्व का चेहरा कहे जाते हैं, तो क्या योगी पर प्रियंका भारी पड़ पाएंगे ये अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश को लेकर? जिस तरह से उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन किया, माँ कुष्मांडा का दर्शन किया दुर्गा कुंड के दुर्गा मंदिर में, तो आपको क्या लगता है महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं यही सोच रही हैं, पहले तो मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी हूँ। मेरा मानना ये है कि उनके आने से या दर्शन करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि योगी जी ने जो छाप छोड़ा है अपने पूरे यूपी में आने, मतलब हर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने छाप अपना छोड़ा है वो नहीं बदल सकती हैं। 2014 में कहाँ थी प्रियंका गांधी, क्यों नहीं दर्शन कर रही थी, अब क्यों दर्शन कर रही हैं वो? ऐसा क्या है कि उनके दर्शन करने से क्या वो चुनाव जीत जाएंगी? कभी नहीं जीत पाएंगी। महिलाओं की ये राय है, आपका क्या कहना है, दर्शन कुछ असर करेगा, योगी पर भारी पड़ जाएंगे या क्या है? जो योगी कर पाए वो कोई नहीं कर पाएगा, दर्शन असर ही नहीं करेगा। योगी ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, आज महिला रास्ते पे अच्छे से चल पा रही है, कर पा रही है, योगी कर रही ना चल रही है, और योगी जी सब किए तभी हम लोग खुले आम रास्ते में घूम रहे हैं। आप बताइए, ये जो दर्शन पॉलिटिक्स इसको हम कह रहे हैं या फिर क्या दर्शन का कोई प्रभाव होगा? क्या हिंदुत्व एक बार फिर से एजेंडे में है? सॉफ्ट हिंदुत्व का जो संदेश दिखाई दे रहा है क्या वो दे पाई है या दे पाएंगी आगे? आपको बता दें कि साल भर बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, सिंपल सा एग्ज़ाम है, साल भर बच्चा पढ़ता नहीं है और एक दिन आ करके खूब भगवान का दर्शन कर लें तो भगवान के पास कर देंगे उनको? ये साल भर और इतने सालों से कहाँ थी ये, आज वो आ करके दिखा रही हैं कि खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमरा रहे। हाँ, उन्होंने ये चीज़ ज़रूर किया है, जो कांग्रेसी मरे हुए थे उनको उन्होंने थोड़ा सा जादू का वो थोड़ा सा हवा देकर फूंक दिया। और किसान की बात करते हैं, जब किसान की बात करूँ, किसान की बात उन्होंने क्यों नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने केवल भीड़ इकट्ठा करके उन्होंने ये दिखाया कि अब कांग्रेस आएगी, तो उनके भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो योगी जी मोदी जी जो किए हैं, योगी जी हमारे हिंदुत्व को जगाए हैं और मोदी जी हम लोग को जागरूक किए हैं, तो दोनों का हम लोग कैसे निकाल? हिंदुत्व में अभी बता दें आपको कि हिंदुत्व हम लोग जो जागे हैं, अभी तक हम लोग जागे नहीं थे, अब हिंदुत्व को कोई हटा नहीं सकता। और बीजेपी तो आप सरकार की बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा अभी रही है और अभी 10 साल और रहेगी, 10 से 20 साल रहेगी, क्योंकि हम लोग हिंदुत्व जागरूक हो गए हैं और जागरूक हो गए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ हिंदुत्व का जो संदेश है वो प्रसारित हो रहा है या क्या है? वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, हिंदुत्व लोगों के कण कण में बस गया है, लोगों के दिलों में बस गया है, अब वो चीज़ बदलने वाली नहीं है, और चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी दौरे लगा लें, चाहे दर्शन कर लें, लेकिन ये लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे के मन में मोदी और योगी का नाम बस चुका है, और जितना विकास उन्होंने किया है और जिस तरह की योजनाएं उन्होंने लागू की, गांव में जो सड़कें बना दी, बिजली बना दिया, गांव के लोग आज एसी में रह रहे हैं। अक्का जी, एक सवाल मेरे मन में है व्यक्तिगत, कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर आई, फिर उन्होंने दर्शन भी किया, और दर्शन इस बार दो जगह, खासतौर पे जो संदेश वाले मंदिर हैं, कहा जाता है कि ये मंदिर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बड़ा संदेश देते हैं, और इस पूरे कहे यात्रा के दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व कहीं ना कहीं जो संदेश के रूप में प्रसारित होता देखा, क्या लगता है योगी की छवि पर ये छवि भारी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर सबके लिए खुला हुआ है,
वहाँ कोई भी दर्शन कर सकता है। ये भाजपा के पैटर्न पे चल रही हैं और इसका कोई भी असर किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो सॉफ्ट दिल हिंदू हो चाहे कड़ा दिल हिंदू हो। हिंदुओं के दिमाग में बैठ चुका है योगी, वो योगी ही रहेगा, वो निकलने वाला नहीं है। और ये चाहे जितना भी जान फूंक लें, भीड़ दिखा दें, ये भीड़ दिखाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। आप बताइए आपकी क्या राय है? हमारा तो मानना यह है कि प्रियंका गांधी जो दौरा अभी की हैं और मंदिर जाके जैसे कि दुर्गा जी मंदिर दर्शन की हैं, अभी तक 2014 के बाद आके उन्होंने जो दर्शन किया था, दर्शन के बाद अब चुनावी समर का शंखनाद हो गया है, चुनावी समर अब चालू हो गया है, तो उनको अब भगवान की याद आई है, तो इससे पहले क्यों नहीं, बीते 5 वर्षों में अभी तक क्यों उनको भगवान की याद नहीं आई? तो हिंदुत्व का जो कार्ड खेल रही हैं कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रियंका वाड्रा गांधी, वो उनका नहीं चलेगा। हिंदुत्व पूरी तरह से हावी है, हिंदुत्व के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बच्चा बच्चा आज हिंदुत्व को जान रहा है और आने वाला समय बीजेपी के लिए है और बीजेपी के लिए रहेगा और हम लोग सपोर्ट। यानी बनारस में अभी भी योगी योगी मोदी मोदी बिल्कुल योगी। आप बताइए क्या लगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में और अभी तक प्रियंका गांधी जी आज पहली बार बनारस आ रही हैं, 5 साल में इन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई किसी को बनारस में आके, जो कि योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया, भ्रष्टाचार खत्म किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, हर एक काम किया उन्होंने, और ऐसा काम कांग्रेस ने कभी आज तक इतने सालों में नहीं किया है। तो ये जो प्रियंका गांधी जी अभी आई हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल महिलाओं से ले लेते हैं, छोटा सा सवाल, हिंदुत्व के चेहरे पर खरा कौन उतरता है? अभी तक की आपके जो कहे अनुभव हैं उसमें खरा कौन उतर रहा है, योगी या प्रियंका? दोनों को अगर तुलना करें तो क्या है जो इस, आप तो तुलना ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं वो तो कहीं टिकती ही नहीं है। प्रियंका गांधी कहाँ टिकती हैं? वो कहीं नहीं टिकती हैं। हमारे मंदिर दर्शन तो कर रही हैं, ठीक है, उनका वो है कि फॉलो कर रही हैं, कि जैसे नहीं बोलते किसी ने रास्ता दिखाया हो अच्छा रास्ता, तो वो अच्छा रास्ता को भी शुरुआत की है, रास्ता वो थोड़ी ना अपने से बनाई है, योगी जी ने किया है, योगी जी देखा देखी हो रही है एकदम, और योगी जी थे हैं और रहेंगे। आगे क्या ये रास्ता इनको चुनाव की जीत तक ले जाएगा? बिल्कुल नहीं, 100 में अगर पूछेंगे तो शायद 1-2% लेके जाए, शायद 1-2% के संभावना। आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे योगी जी ने स्टार्टिंग से हिंदुत्व को पहचान है वो, और वही रहेंगे, वो 2-10 दिन भी लगातार वो दर्शन कर लेंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी। 10 दिन भी दर्शन कर लें तो कुछ नहीं कर पाएंगी, ये महिलाओं का कहना है, आपका बताइए क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि मंदिर तो सबके लिए है, हमारे लिए हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या उनकी माँ इंदिरा गांधी हो, ठीक है, आज अगर वो आई हैं दौरे पे तो उनका सम्मान यहाँ यूपी वाले इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि वो इंदिरा गांधी की एक छवि हैं और कुछ भी नहीं है। उनके 10 बार आएंगी, दर्शन करके जाएंगी, उससे कुछ योगी जी और मोदी जी पे असर पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए। नहीं, हम तो बोल ही रहे नहीं, योगी हैं, योगी रहेंगे, प्रियंका गांधी कितनों दर्शन कर ले, कितनों पूजा पाठ कर ले, उनके आने जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो महिलाओं की राय है कि दर्शन कोई कितना भी कर ले, लेकिन हिंदुत्व का चेहरा आज भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी हैं और आगे आने वाले दिनों में जी घर प्रदेश में ही हमारे मोदी जी और देश में योगी जी और घर घर मोदी घर घर योगी दोनों ये हम लोग का नारा है। तो महिलाओं का नारा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने बनारस में दर्शन किया और दर्शन करके सॉफ्ट हिंदुत्व का कहीं ना कहीं संदेश दिया, लेकिन इन महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि हिंदुत्व का चेहरा तो मुख्यमंत्री योगी ही हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदुत्व और हिंदुत्व का जो संदेश है वो किसके खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।